करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को दिया धन्यवाद। करतारपुर कॉरिडोर के दौरे पे सिद्धू आए, विवादों में इमरान खान को कहा दोस्त। पाक आर्मी ने तोड़ा इमरान का दूसरा भी वादा, कल भी भारतीय श्रद्धालुओं से वसूलेगा $20। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला, सामना में कहा बीजेपी का सीएम ना हो। आज महाराष्ट्र में बीजेपी की अहम बैठक, राज्यपाल के ऑफर के बाद आज होगी बैठक। विदेशी मीडिया में छाया अयोध्या का फैसला, दुनिया भर ने की कवरेज। बंगाल के तट से टकराया चक्रवात बुलबुल, तूफान मिली 2 लोगों की जान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया जामा मस्जिद का दौरा, हाई अलर्ट पर दिल्ली। अयोध्या विवाद में फैसले के बाद शांति भंग की हुई कोशिश, मेरठ में 10 गिरफ्तार। सलमान निजामी ने किया 5 एकड़ जमीन फैसले का स्वागत, बोले ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं। विदेश मंत्रालय ने पाक पर कसा तंज, कहा अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा आंतरिक मामला। रोहित शर्मा ने फिर किया पंत का बचाव, कहा युवा खिलाड़ी को खेलने दे। ईसीबी ने उठाए सवाल, हर साल आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर विवाद क्यों। आज होगी नागपुर में आर पार की लड़ाई, जो जीता सीरीज उसके नाम। भारतीय खिलाड़ी ने की वायुसेना के पायलट से मुलाकात, करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। 400 अंतर्राष्ट्रीय सिक्स क्लब में जगह बना सकते हैं रोहित, बस 2 छक्कों की कमी से पीछे। मुन्नी बदनाम हुई पर सलमान ने किया जैकलीन संग डांस वीडियो वायरल। बिग बॉस 13 में बड़ा ट्विस्ट, 1 हफ्ते में ही बाहर हो गए तहसीन पूनावाला। फिल्म बाला को मिला दर्शकों का प्यार, आयुष्मान ने किया दर्शकों का धन्यवाद। चेहरे की रिलीज डेट हुई आउट, बिग बी संग पहली बार नजर आएंगे इमरान हाशमी। कन्नड़ फिल्म बेल बॉटम का बनेगा हिंदी रिमेक, नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।